एसपी लेजर जेट P1007 है ये। अच्छा है दोस्तों प्रिंटर, और जो है हमें सर्विस इसकी करेंगे आज हम अच्छे से। तो आइए अब जो है हमें खोलते हैं प्रिंटर को हम लोग। बहुत ही अच्छा प्रिंटर है ये, और इसके अंदर दोस्तों ये क्या है कि ना, जैसे कि जगह में पेपर को नहीं जगह में ठा रहा है, तो यहाँ पे इसको खोलेंगे, जो भी यहाँ पे दिक्कतें हैं, जो भी यहाँ पे फॉल्ट, इसके फॉल्ट को हम लोग जो है ठीक है यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए इसका लॉक है, लॉक को खोल लेंगे हम। देखिए पेज है, पेज को खोलेंगे हम। ये जो इसका यहाँ पे साइड का कवर है, साइड के कवर को खोल लेंगे हम। पेंच निकाल लिया, देख रहे हैं आप। अच्छा दोस्तों दूसरा पेज को निकालेंगे हम। खोलने के बाद में देखिए यहाँ पे लॉकिंग का सिस्टम है, यहाँ से इसको निकालेंगे और यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इसके सामने वाले कवर को निकालेंगे सबसे पहले। तो इसको देखिए हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ये देखिए निकाल लिया इसको। कौन आ रहा है दोस्तों? हम लोग यहाँ पे साइड के जो है हमें कवर को खोलेंगे। देखिए हमारा साइड का कवर खुल गया है, इस साइड के कवर को खोल लिया हमने। ऐसे दोस्तों हम लोग यहाँ भी खोलेंगे इसके साइड के कवर को। लॉकिंग का सिस्टम है तो लॉकिंग के सिस्टम को खोल लेंगे हम। एक दो पचास के दियो, खुलेंगे।
ये देखिए यहाँ से खोलना है इसको। तो ये भी हमने खोल लिया, देख रहे हैं आप। और इसमें देख रहे हैं ये इसकी असेंबलिंग है, मिट्टी धूल वगैरह है, साफ कर लेंगे अच्छे से। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इसका कैपेसिटर जो इसमें फूल रहा है, आप जो है इसमें देख पा रहेंगे प्रिंटर का जो यहाँ पे कैपेसिटर रहेगा दोस्तों फूल रहा है। तो यहाँ भी जो है इसको रिप्लेस करेंगे प्रिंटर के कैपेसिटर को, हाल्ट है इसके अंदर। और अब जो है इसकी अपर जो है, अब जो है इसकी बॉडी को खोलेंगे, इसकी अपर बॉडी को। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें लॉक है, लॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसके लॉक को निकाल लेंगे। ये लॉक देखिए निकल गया। ऐसे दोस्तों इस साइड भी निकाल लेंगे लॉक को। और ये देखिए इसका यहाँ पे कवर है, कवर को निकाल लेंगे हम। देखिए निकल गया कवर, ये ऐसे ही इसको भी निकालेंगे साइड में। ऊपर की जो थी यहाँ पे कवर, इसको हमने खोल लिया है। और ये देखिए इसको खोलेंगे अब। बैक साइड का बेजल है, इसको निकाल लेंगे हम। देख रहे हैं आप इसको निकालेंगे पेंच की मदद से, यहाँ इसको खोल लेंगे। देख रहे हैं इसमें दे रखा पेंच, तो पेंच की मदद से इसको खोलेंगे साइड में से। पेंच को निकाल लेंगे हम और पीछे से जो है इसके आयरन की यहाँ पे सीट को निकाल देंगे। ये देखिए इसकी आयरन सीट है, निकाल देंगे इसको। और अब जो है आयरन सीट को निकालेंगे सबसे पहले, तो देखिए इसको निकाल दिया हमने। आपको निकाल लेना है इसको। और ये बेजल इसका निकल गया, देख रहे हैं आप, निकाल दिया इसको हमने। दोस्तों हमने यहाँ पे खोल दिया अपने प्रिंटर को अच्छे से, देख रहे हैं आप। और अब जो है हम लोग इसकी असेंबलिंग को खोलेंगे प्रिंटर की। देख रहे हैं आप इसकी अच्छे से दे रखी असेंबलिंग, असेंबलिंग को खोलेंगे। तो पहले दोस्तों हम लोग जो है हमारी देखिए जो है ठीक है, यहाँ पे इसकी असेंबलिंग दे रखी है। तो असेंबलिंग के यहाँ पे वायर को निकालेंगे, इसका मेन वायर का कनेक्शन खोल लेंगे इसको। ये देखिए खोल लिया हमने, ऐसे आपको भी यहाँ पे इसको निकाल लेना है। और ये देखिए ये इसका ग्राउंड की वायर है, इसको भी निकाल लेंगे हम। देख रहे हैं इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमारे जो यहाँ पे छोटे छोटे हैं इसमें देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर में जो है इसमें कार्ड में कनेक्शन, तो इसको भी खोल लेंगे हम।
खोलने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसको हम निकालेंगे यहाँ से, इसको कार्ड को, कार्ड को पहले आपको इसमें खोल लेना है। कार्ड को देखिए हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे अपने वायर के कनेक्शन को निकालेंगे, देखिए निकाल रहे हैं हम, इसका दूसरा कनेक्शन है। वायर का इसके अंदर में जितना भी कनेक्शन है सभी को खोल लेंगे अब हम। तो देखिए वायर के कनेक्शन को निकाल दिया हमने खोल के, और कार्ड है तो इसको भी रख देंगे साइड में हम। अब जो है अपनी असेंबलिंग को खोलेंगे हम, तो देख पा रहे हैं आप सारा वायर का कनेक्शन यहाँ दिया हुआ है। निकाल के यहाँ पे ऐसे इसमें निकालेंगे इसके कनेक्शन को सभी को, देख रहे हैं आप हमने यहाँ पे कनेक्शन को निकाल लिया है। ये सेंसर का कनेक्शन है, देख पा रहे हैं आप सेंसर है इसका, ये भी सेंसर है, और ये इसकी रोलर की यहाँ पे सप्लाई है। तो अब हम यहाँ पे अपने रोलर को खोलेंगे पिस्कस की मदद से। तो ये देखिए इसमें पिंच है, यहाँ पे पिंच को खोलेंगे सबसे पहले। और जो पिंच है पिंच को खोलेंगे, ये देखिए यहाँ भी है, इसको भी खोल लेंगे हम। खोलने के बाद फिर हम लोग इस पेंच को खोलेंगे, एक पेंच दोस्तों यहाँ इसके अंदर, तो इसको खोलेंगे हम। देख रहे हैं आप पेंच को निकाल लेंगे हम, और एक पेंच पेंच दोस्तों इसके नीचे है, एक पेंच इसके नीचे है, तो ये लॉक का सिस्टम है, इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए यहाँ से निकाल लेंगे हम, निकालने के बाद ये निकल गया है। और अब जो है इसको खोल लेंगे, देखिए ये लॉक है, लॉक को निकाल लेना आपको याद करके। लॉक को निकालने के बाद फिर अब हमने जो पेंच यहाँ से खोला था इसको यहीं पे लगा देंगे। इसको हमें नहीं खोलना है क्योंकि असेंबलिंग का पेज है ये, इसे रहने दे। इसको खोलेंगे जो पेज है हमारा इसमें प्रिंटर के अंदर, तो इसको हम खोल लेंगे। देख पा रहे हैं आप इसको खोल लिया हमने, और इसके बाद हम असेंबलिंग को उठाएंगे। तो देखिए हमारी असेंबलिंग है, असेंबलिंग को खोलने के बाद जो भी इसके अंदर में कचड़ा है उसको साफ करेंगे।
हीटर की असेंबलिंग को देखिए, इसमें हमने खोल लिया है। ये हीटर की असेंबलिंग को हमने खोल लिया है। इसकी भी सर्विस हम लोग यहाँ करेंगे और ये इसकी पूरी की पूरी असेंबलिंग दे रखी है। बहुत ज़्यादा जाम है, आप देख रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ। इसमें इसको भी यहाँ पे खोल के हम लोग अच्छे से इसकी सफाई करेंगे। देख रहे हैं इसमें मिट्टी धूल है, इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो लोक का सिस्टम, इसको खोलेंगे। स्प्रिंग का है ये दिखा हुआ है, उसको खोल लेंगे और ये लोक निकल जाएगा। ये लोक हमने निकाल लिया है, ऐसे ही इसको भी खोलेंगे। देख रहे हैं आप, खोल दिया इसको और निकाल लिया हमने, और ऐसे जो लॉकिंग का सिस्टम है इसको यहाँ से निकाल लेंगे। देखो निकाल दिया हमने, और ऐसे इसको भी निकाल लेंगे। देखिए निकाल के रख देना हमें संभाल के। और ये इसकी देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इसका हीटर है। ये हीटर को निकालेंगे अब हम लोग, देख रहे हैं आप। पहले जो इसका वायर है, वायर के यहाँ से जो हमें कनेक्शन को निकालेंगे, हीटर वाले कनेक्शन को। देखिए यहाँ इसका कनेक्शन है हीटर का, इसको जो है यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छे से आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर हम इसके हीटर को यहाँ पे निकाल लेंगे। देखो ये इसकी है, इसकी असेंबलिंग दे रखी, और हीटर को ये हम निकाल रहे हैं। ये देखिए हीटर को हमने निकाल लिया है। मिट्टी है, देख पा रहे हैं इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है। इसकी हम लोग जगह में सफाई करेंगे अच्छे से, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों हीटर को यहाँ से हम लोग देख रहे हैं निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसकी टेफ्लोन है, हीटर को निकाल दिया हमने। ये देखिए यहाँ से निकाल देना इसको, और टेफ्लोन को निकाल के अच्छे से जो है इसकी सफाई करेंगे। ये देखिए इसका हीटर है, तो टेफ्लोन की अच्छे से यहाँ सफाई करेंगे। और अगर दोस्तों इसके अंदर में देखिए यहाँ पे काला काला धब्बा, तो यहाँ पे दूसरा भी लगा देंगे टेफ्लोन हम, इसको जो है यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे दूसरी लगाएंगे नई टेफ्लोन, इसके अंदर इसको डालेंगे। आप इसमें देख पा रहे हैं, इसको इसमें डाल देंगे। अच्छे से यहाँ एडिट करके इसमें डालेंगे। देखिए डाल दिया हमने, और फिर इसकी यहाँ पे सेटिंग कर देंगे। ये देखिए अच्छे से लगा के इसको, और फिर ये जो लॉक था हमारा, आप इसमें देख पा रहे हैं, तो इसको अंदर इसमें डाल के वायर को, और ऊपर से ये लॉक जो है अच्छे से इस लॉक को लगाएंगे। ये देखिए लॉक लगा दिया हमने, और वायर को ऐसे निकाल देना। तो दोस्तों ऐसे ही इसको फिट कर लेना है, देखिए, और इसकी थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए कपड़े के साथ में अच्छे से इसको साफ कर लेंगे।
टेफलॉन को अच्छे से, ताकि मिट्टी धूल डस्ट जो भी इसके ऊपर से हो वो अच्छे से निकल जाए। अब दोस्तों ये रोलर है, रोलर को देखेंगे, चेक करेंगे, देख रहे हैं आप, इसमें रोलर है इसका, तो इसके अंदर भी मिट्टी धूल है बहुत ज़्यादा। इसको भी जो इसमें कपड़े के साथ में अच्छे से यहाँ साफ़ करेंगे। देखिए हमने कर दिया इसको। अगर आपका दोस्तों रोलर में दिक्कत है, जैसे कि रोलर के बीच में कहीं पे कट वगैरह है, तो आप भी जो है इसके यहाँ पे रोलर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा रोलर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से है, तो हम लोग इसको रोलर को ऐसे रख देंगे, लगा देंगे, फिट कर देंगे। और ये देखिए हमने यहाँ रोलर लगा दिया है। असेंबलिंग करेंगे अब हम लोग अपनी इसकी। और अब जो है हम अपने लगाएंगे इसमें टेफलॉन को। तो ये देखिए इसमें ही लगेगा, ये देखिए लग चुका है हमारा। ऐसे ही दोस्तों लगा लेना है बिल्कुल अच्छे से। और इसके नीचे जो वायर थी, वायर की सेटिंग को भी कर लेंगे हम। तो सबसे पहले जो स्प्रिंग था हमारा, लॉक का सिस्टम था, उसको यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। देखिए हमने यहाँ लगा दिया इसको रोलर को। और अब जो है स्प्रिंग लगाएंगे इसके ऊपर से। तो ये हमारा लॉक का था सिस्टम, जिसको कि हमें लगाना है। अब ये देखिए ऐसे लगेगा, अच्छे तरीके से लगेगा यहाँ पे। देख रहे हैं आप, तो बेसिकली ये लगेगा ऐसे फ्रेंड। और इसको भी लगाएंगे हम, हमारा जो दूसरा लॉक है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये जो रोलर है, ये लॉक है हमारा, यहाँ लगेगा, यहाँ रख देना है। और ऐसे ही दोस्तों ये दूसरा है, तो दूसरा भी यहाँ लगेगा। देख पा रही है हमारे यहाँ लग चुका है। अब हम स्प्रिंग लगाएंगे और इसको लॉक करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए हमारा लॉकिंग का सिस्टम है। सबसे पहले हमारे यहाँ लगेगा ये, ये देखिए। और ये लगने के बाद फिर ये इसके अंदर लग जाएगा। देख रहे हैं आप, ऐसे लगाया हमने। ऐसे लगाने के बाद फिर इसको हम खींचेंगे, ये देखिए। ये स्प्रिंग, फिर ये पकड़ के यहाँ से स्प्रिंग, देख रहे हैं उसको पकड़ के, फिर इसको खींच के यहाँ ले आएंगे, जो कि लॉक में फंसा देंगे हम। देख रहे हैं आपस में लॉक में फंसा दिया हमने। और ये हमारी असेंबलिंग होगी। अब सेम ऐसे हमें इस साइड का भी करना है। तो देखिए दूसरी साइड का भी करेंगे। यहाँ पे हमने लगा दिया अपना लॉक, अच्छे से देख पा रहे हैं आप। और इसी में हम लगाएंगे इसको, तो यहाँ भी डालेंगे लॉक में। देखिए हमारा लॉक है, तो इसको ऐसे उल्टा करेंगे और इसको डालेंगे इसमें। तो दोस्तों ये निकल गया है, स्प्रिंग को डालेंगे इसमें अब।
डालने के बाद इसको लॉक में डालेंगे। लॉक में डालने के बाद देखो लॉक में लगा देंगे और फिर इसको जो लॉक है आप फंसाएंगे इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए लॉक में फंसा दिया। हमारी असेंबलिंग रेडी है, देख रहे हैं अच्छे से हमने इसको रेडिंग कर दिया। अब इसमें लगाएंगे वायर इसकी, पहले निकाला था ये मुजफ्फरनगर मेरठ के लड़के अभी भी तो हैं उसके पास, काड़े वही संजय था, पीएम ड्राइवर्स हैं सारे, अभी भी उनके पास नहीं, वो कहाँ छोड़ के जाएंगे। ये बात यहाँ से आने के बाद फिर मेरा उठाया ना उठावे तो बात कर ले, शरावत का नंबर तो मैं निकलवा दूँगा। लॉक वाले सिस्टम में डाल देंगे, देखिए लॉक का सिस्टम इसमें डाल देंगे इसका। लॉक में डालने के बाद चल कर ले काम, क्या बताइए वैसे भी, और वो अमित से बात कर लियो, अमित का नंबर दे रखा है, मैसेज में है तेरा, तो व्हाट्सएप पर है तेरे नंबर पर। फिर हम इसको अभी तो होगा शाम कनेक्ट कर देंगे, करियो टाइम से नहीं, और वायर को देखो कनेक्ट कर दिया है ना, ये वायर इसके अंदर से आ जाएगी, ये वायर हमारा कनेक्ट हो गया, देख पा रहे हैं वायर को कर दिया है ना, इसे कनेक्शन इसको कर देंगे। एक छोटा ही काम निकाला है, कंप्लेंट थी पसीना पसीना हो रहा है बुरी तरह से, उसे वायर की सेटिंग कर देंगे। कौन सा बिजली आ रहा है तो निकला सोलर बल्ब को लगा रहा है, मंसल बल्ब चेक कर लेना। और ये देखो रात को असेंबलिंग हो गई हमारी रेडी, साफ कर देंगे इसको। कल जाना परसों जाना, ज़्यादा तारीख का ना, अच्छे से साफ कर देंगे इसको और लगाएंगे लॉक। अच्छा इसको बंद करेंगे, इसको उठा देंगे ऊपर, ये देखिए असेंबलिंग कर दी हमने इसमें पैक, और पेंच लगा देंगे। उड़े ना लगती गर्मी, उड़ा बांध के पढ़ना जी पे काम पोले, चल 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 जल्दी चल। पेंच कस देंगे इसमें, पेंच देखिए कस दिया हमने, दूसरा पेज कसेंगे आप, कस के रेडी कर दिया और ये पेज भी कस देंगे। हमारा रेडी है असेंबलिंग, अब हम तो देख रहे हैं इसकी सर्विस हमने अच्छे से कर दी है, अब इसकी यहाँ पे असेंबलिंग को लगाएंगे। तो
असेंबलिंग को आपको यहाँ पे ध्यान से लगाना है, साइड में मोड़ेंगे इसको प्रिंटर को, और देख रहे हैं आप इसको, ये आपको ध्यान से लगाना है इसकी असेंबलिंग। तो जैसे इसको उल्टी साइड में मोड़ेंगे और इसको बड़ा करेंगे, देख रहे हैं आपको देखिए यहाँ लगा दिया हमने, इसको फिट कर दिया। ऐसे ही दोस्तों सेम इस साइड का भी फिट होगा, तो देखिए फिट कर दिया हमने असेंबली, और अब जो है इसके पेंच को कस देंगे इसमें। असेंबलिंग यहाँ पे लग चुकी है हमारी, देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसके पेंच को कसेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे पेंच है, पेंच देख पा रहे हैं आप, इसमें पेंच को लगाएंगे पेचकस की मदद से। देखिए पेंच लगा दिया मैंने एक, ऐसे दोस्तों दूसरा पेंच यहाँ लगेगा, यहाँ इसको लगा देंगे असेंबलिंग। लग चुकी है दोस्तों, अब जो है हमारे प्रिंटर का यहाँ पे कनेक्शन है, तो कनेक्शन को कर देंगे। तो ये वायरिंग्स वगैरह हैं इसको याद करके, ये इसके अंदर से ही दोस्तों जाएगी यहाँ से, तो मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पे, और ये देखिए इसके अंदर से लाने के बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे। और ये इसका पावर का था दोस्तों, पावर की वायर थी जो कि अर्थ बनी हुई थी, उसको भी ध्यान से लाने के बाद अच्छे से लाने के बाद दोस्तों अर्थिंग में लगा देंगे। तो आइए उसको अर्थिंग में लगाएंगे यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी अर्थिंग है, अर्थिंग का कनेक्शन हमने कर दिया इसमें, देख रहे हैं आप, और हमारी जो भी वायरिंग है यहाँ पे अच्छे से इसको कर देंगे इसमें मैनेज। ये देखिए अच्छे से फिट कर देंगे वायर को, किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो देखिए हमने फिट कर दिया है, और ये वायर को यहाँ से निकाल देंगे, इसमें देख पा रहे हैं वायर को यहाँ से निकाल देंगे, और ये हमारा फिट हो चुका है, अच्छे से वायरिंग जो है फिट हो गई हमारी। तो अर्थिंग को लगाने के बाद फिर देखिए यहाँ पे हमारे कनेक्शन है, तो कनेक्शन को कर देंगे। तो सबसे पहले जो मेन वायर थी उसको लगा देंगे हम, इसके अंदर से लाने के बाद इसको यहाँ लगा देंगे क्योंकि बड़ी वायर थी, और इसके बाद जो हमारे यहाँ पे कनेक्शन है तो उनको भी कर देंगे हम, कनेक्शनों को भी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर छोटा कनेक्शन आएगा जो कि दो पिन का है, इसको लेंगे, इसको हम लोग यहाँ करेंगे कनेक्शन को, देखिए दो पिन का कनेक्शन है, इसको कर देंगे सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों ये थ्री पिन है यहाँ पे, इसको लगा देंगे, और उसी के बाद दोस्तों जो बड़े वाली पिन है इसको लगा देंगे यहाँ पे। तो देख रहे हैं हमने सारे कनेक्शन इसमें कर दिए हैं, और
उसको फिट कर दिया हमने अच्छे से। आपको लगा लेना है ऐसे ही, कनेक्शन आपको भी कर लेना अच्छे से, और हमारा सारा जो कनेक्शन यहाँ पे हो गया है इसमें देख पा रहे हैं अच्छे से हमने कनेक्शंस को कर दिए हैं। तो ये हमारा रेडी है दोस्तों, हमने यहाँ पे जो है ठीक है जैसे कि अपने असेंबलिंग को भी लगा दिया, और देखिए हमने यहाँ पे बना दिया असेंबलिंग अच्छे से। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका देख रहे हैं, इसका जगह में कार्ड है तो कार्ड को भी यहाँ पे लगाएंगे जो कि निकाला था हमने। तो ये कार्ड ऐसे लगेगा यहाँ पे, इस कार्ड को लगा देंगे यहाँ पे। पेंच चार थे तो चार पेंच को कस देंगे अब। तो देखिए इसमें लगा देंगे पेच को, पेच कस दिया हमने इसका, और इसका ये पेच है इसको भी कस देंगे हम, और अच्छे से जो है कसा गया ये। तो देखिए पेंच हमने लगा दिया है, कस गया, और जो है इसके यहाँ पे कनेक्शन को कर देंगे, कनेक्शन आपको कर देना अच्छे से याद करके। देखिए कनेक्शन कर दिया, ये प्रिंटर हमारा अच्छे से यहाँ पे रेडी है। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इसकी जाली थी मीटर वाली, तो इसको भी लगा देंगे हम लोग। तो इसको अच्छे से लगा लेना है और पैक कर देना इसको, तो अच्छे से जो इसको पैक कर देंगे हम लगा के। देख रहे हैं आप इसको लगा देंगे हम, कसेंगे इसको, ऐसे यहाँ भी कस देंगे इसको जो हमने खोला था। देख रहे हैं फ्रंट कस दिया हमने इसकी, पेंच को कस दिया हमने, और अब जो है इसकी अपर जो थी बॉडी मैंने बताया था इसको यहाँ लगाएंगे हम। तो देखिए इसकी अपर की बॉडी है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग लगाएंगे इसको, फिर बॉडी को फंसा देंगे लॉक में। अपर बॉडी को लॉक में फंसा दिया हमने, और अब इसके बैक साइड के को लगाएंगे कवर को। देख रहे हैं आप
थोड़ा सा मुड़ गया दोस्तों, इसको सीधा करेंगे। ये देखिए मुड़ गया है, इसको जो है सीधा करेंगे हम। इसको भी अच्छे से कर देंगे और जो हमारी बॉडी थी इसको लगा देंगे। लगा दी, अच्छे से लगाने के बाद इसमें पेंच लगा देंगे। देखिए पेंच, देखिए पेंच लगाएंगे यहाँ पे, इसमें पेंच आपको लगाना है। एक पेंच लगा देंगे, उसके बाद हमारी जो अपर की बॉडी है ये लग गई है। और ये देखिए इसका बेजल है यहाँ पे, तो ये याद करके आपको इसमें लगाना है। इसको दोस्तों नीचे करेंगे इनको और फिर इसको लगाएंगे। ये देखिए लॉक में लगा दिया हमने, और ऐसे इसका दूसरा लॉक है, इसमें लगा देंगे इसको। लगाने के बाद ये देखिए लॉक है, इसको भी लगाएंगे हम। लॉक याद करके लगाना आपको, बहुत अर्जेंट है ये। और ये देखिए ये लॉक था, तो अब इसको वो डाल देंगे यहाँ पे लॉक में ऐसे दोस्तों, ये करेंगे इसको भी ऐसे डाल देंगे। देखिए डल चुका है और ये अच्छे से काम कर रहा है, देख रहे हैं आप। दोस्तों देखिए लगा दिया हमने इसको, इसे दूसरी साइड का लगाएंगे, जो हमारा दूसरा कवर है वो लगाएंगे। पेंच को खोल के निकालेंगे पहले, अरे तेरा ठक गयो पहले क्यों ना गिर लगा आगे डाल उधर निकाल के आगे डाल। हां बस आगे डाल दे। तो यहाँ पे लगाएंगे इसके फ्रंट कवर को। देखिए इसके फ्रंट कवर को लगा दिया, ये फिट हो गया है। और हमारा यहाँ रेडी प्रिंटर है। अब जो है यहाँ पे दोस्तों इसका देखिए, यहाँ पे इसके आगे का फ्यूज रखने का तो लगा दिया इसको। अब जो है हम लोग अपने प्रिंटर के कनेक्शन को करेंगे। तो देखिए ये जो है इसके अंदर में पेज हमने लगा दिया है, पहले जो है ये देखिए प्रिंटर में लगा दिया पेज। यहाँ पे देखेंगे फीमेल जैक को लगा रहे हैं अब हम लोग अपने प्रिंटर में। और अब जो है इसके अंदर में हम लोग लगा देंगे इसके पावर केबल को और इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लाइट आ गई है और ये जो प्रिंटर था हमारा यहाँ पे चलने लगा है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे रिपेयरिंग कर दी इसकी सर्विस अच्छे से। अब जो है हम लोग अपने पीसी में से देंगे कमांड इसमें प्रिंटर में। तो देखिए यहाँ पे निकाल दिया प्रिंट आउट इसका, बहुत ही अच्छे से निकल चुका प्रिंटर इसका।
और देखिए दोस्तों यहाँ पे जगह में पेज भी नहीं रुका, तो इसको हमने यहाँ पे रिपेयरिंग इसकी करी, सर्विस करी है।